समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इति तन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशै प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मति मान्यः स वै शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाय दाहिना फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते वोच्चम आराहना कमसो उच्चोवण मोच्चवणम निवहनम साहनं च नीचरणम दंसन नान चरितम तवान माराहना सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गा दधि गमात्वा जीवा जीवा स्रवबंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आते परोक्षम् प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणां अर्थस्य व्यञ्जनस्य वग्रहः न चक्षुरनेन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेकत्वादश भेदं भव प्रत्योवधिर् देव नारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध्य प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मतिश्रुतियोर् निबन्धो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपीष्व वधेः तदनन्त भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नाचतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदसतो रविशेषाद्यत्रच्छोपलब्धिरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र शब्द समभिरूढैवं भूता नयाः इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोऽध्यायः नमो नमः उपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री त्रिपञ्च भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रे कई कई कैक षट भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् स द्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पञ्चेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्
नत्युपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन क्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संज्ञिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एकसमया विग्रहा एकं द्वौ त्रीन् वा नाहारकः सम्मूर्च्छन् गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृताः सेतरामिश्राश्चैकशस्तद्योनयः जरायु चाण्डच पोतानां गर्भः देव नारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्च्छनम् औदारिक वैक्री काहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणम् प्राप्त तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यम् गर्भ सम्मूर्च्छनज माध्यम् औपपादिकम् वैक्रियकम् लब्धि प्रत्ययञ्च तैजस्मपि शुभम् विशुद्धमव्याघाते चाहारकम् प्रमत्त संयतस्यैव नारद सम्मूर्चिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः नमो नमः। रत्न शर्करा बालू का पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बो वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु त्रिंशत् पंच विंशति पंच दश दश त्रिपंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभ तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परो दीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरो दीरित दुःखाश्च प्राप्त चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमासत्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर् द्विर्विष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलया कृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषध नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम मयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिकिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विष्कम्भो हृदः दश योजनावगाहः तन्मध्ये योजनम् पुष्करम् तद्विगुण द्विगुणा हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः स सामानिक परिषत्काः गंगा सिन्धु रोहित द्रोहितास्य हरिधरीकान्ता सीता सीतोदा नारी नरकान्ता सुवर्ण रुप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भर्तैरावतियोर्वृद्धि ह्रासौ षट् सम्याभ्यामुत्सर्पिण्यव सर्पिणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमियोवस्थिताः एक द्वित्री पल्योपम स्थितियो हैमवतकहारी वर्षक देव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागः द्विर्धातिकी खण्डे पुष्करार्थे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः
आर्याम लेच्छाश्च भर्तेरावत विदेहाः कर्म भूमियो यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः त्रिस्थिते परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते तिर्यग्योनि जानांच इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे तृतीयोऽध्यायः नमो नमः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रेंश पारिषदात्म रक्ष लोक पालानेक प्रकीर्ण का भी योग्य किल्विषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रेंश लोक पाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर द्वीन्द्राः कायप प्रवीचारा आ ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रवीचाराः परे प्रवीचाराः भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप्तिक कुमाराः व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मैशान सानत कुमार महेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारे श्वानत प्राणतियो रारणाचितियोर नवसु ग्रैवेय केशु विजय वै जयंत जयंता पराजितेशु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुखत्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकाः गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ल लेश्यादि त्रिशेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः सारसतादित्य वहन्यरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग् योनयः स्थिति रसुरना सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्थ हीनमिताः सौधर्मैशानियोः सागरोपमे धिके सानत कुमार महेन्द्रयोः सप्त त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध्वमे कैकेन नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्योपम मधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वा नंतरा नारकाणांच द्वितीयादिषु दश वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम भवनेषु च व्यंतराणांच परापल्योपम अधिकम ज्योतिष्काणांच तदष्ट भागोपरा लौकांतिकानाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः नमो नमः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थिता न्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम् नाणोः लोकाकाशे वगाहः धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानाम् प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम् प्रदीपवत् गतिस्थित्योपग्रहो धर्मा धर्मयोरुपकारः आकाशस्यावगाहः शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम् सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानाम् वर्तना परिणामक क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदा दणुः भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तं सत् तत्भावावयं नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धेः स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः न जघन्य गुणानाम् गुण साम्ये सदृशानाम् द्व्यधिकादि गुणानां तु बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च
गुण पर्यवत द्रव्यम कालश्च सो नंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे पंचमोध्यायः नमो नमः। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषाया कषाययोः सांप्रायी केर्या पथयोः इंद्रिय कषाय व्रतक क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद् विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं समरं समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषैस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग विसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भयस्थान्य सद्वेद्यस्य भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः क्षान्तिः शौचमिति सद्वेद्यस्य केवलिश्रुत संघ धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बवहारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवंच निःशील व्रतत्वंच सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसि दैवस्य सम्यक्त्वंच योग वक्रता विसंवादनंचा शुभस्य नामनः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे स दशत गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य तद्विपर्ययो नीचैर व्रत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्नकरण मन्त्रायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे षष्ठोऽध्यायः नमो नमः। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो व्यर्तिर्व्रतम् देश सर्वतोऽनु महति तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना न्यनुवीचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचिता वास परो परो धाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण व्रशेष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिश्वेहा मुत्रा पाया वत्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा असदभिधान मंद्रितम अदत्ता दानंस्तेयम मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रहः निशल्यो व्रति अगार्यनगारश्च अनुव्रतो गारी दिक्तेशानर्थ दंड व्यर्ति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मरणांतिकिं संलेखनान् जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टेरतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंध वदत छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधाः मिथ्योपदेश रहु व्याख्यान कूट लेखक क्रिया न्यासा पहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोक्तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भाण्ड प्रमाणातिक्रमाः
ऊर्ध्वाधस्तिर्य व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः कंदर्प कौतुकुच्य मोक्षन्यास मिक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थ ज्ञानी योग दुह प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिषव दुह पक्वाहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणा शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थं सस्याति सर्गो दानम् विधित द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे सप्तमोऽध्यायः नमो नमः। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबंधः प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विधयः आद्योज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनी यायुर नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्वयष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यै केवलानाम् चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला प्रचला प्रचलास्त्यान् ग्रध्यश्च स दशत वेद्ये दर्शन चरित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनी याख्यास्त्री द्वि नव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सास्त्री पुन्न पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभाः नारद तैरेघ्योन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णान पूर्व्या गुरु लघूपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतयः प्रत्येक शरीरत्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा देयशः कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वंच उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम आदितस्तिस्रिणा मंत्रायस च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परास्थितिः सप्ततिर मोहनी यस्य विंशतिर नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनी यस्य नाम गोत्रयो रष्टौ शेषाणा मंत्र मुहूर्ता विपाकोऽनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेत्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्त्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे अष्टमोऽध्यायः नमो नमः। आश्रव निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यग् योग निग्रहो गुप्तिः ईर्या भाषैषणादा निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसार एकत्वा न्यत्वा शुच्या श्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्त्वानुचिन्तन मनु प्रेक्षाः मार्गा चिवन निर्जरार्थं परिशोधव्याः परिशहाः क्षुत्पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोशवध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्थ वीतरागयोश्चतुर्दश एकादश जिने पादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन् नैकोन विंशतेः सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम् अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा बाह्यं तपः
प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षक लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना प्रचनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यंतरोपध्योः उत्तम संगननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्तममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानञ्च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञा पाय विपाल संस्थान विचयाय धर्म्यम् शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि विपरत क्रिया निवर्तीने त्रेक योगा योगा योगानाम् एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम् द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही सम्यक् दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाः क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निरग्रंथ स्नातका निरग्रंथाः संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नवमोऽध्यायः नमो नमः मोहक्षयाज्ञान दर्शनावरणान्तराय क्षयाच्च केवलम् बन्ध हेतु भाव निर्जराभ्याम् कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकानि भव्यत्वानाञ्च अन्यत्र केवल सम्यत्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् पूर्वक प्रयोगाद् असंगत्वात् बन्धच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आवित्त कुलाल चक्रवत् व्यपगत लेपालाम्बु वदेरण्ड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनान्तर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे दशमोऽध्यायः नमो नमः अक्षर मात्र पद स्वरहीनम् व्यञ्जन सन्धि विवर्जित रेफम् साधु विरत्र मम क्षमितव्यम् को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवैः तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृध्रपिच्छोपलक्षितम् वन्दे गणीन्द्रसञ्जात उमा स्वामी मुनीश्वरम्।